हेलो गाइस, आज की वीडियो में मैं बहुत ही मस्त फाइट कराने वाला हूँ फाइटर जेट और फ्लाइंग कार के बीच। मेरे को पता होगा ये कितनी तेजी से फ्लाई कर सकता है। ये कार रोड पर चलते चलते फ्लाई भी कर सकती है। आज मैं इसकी एक और ड्रोन के साथ फाइट कराने वाला हूँ। यहाँ पर देखो गाइस, ये है 3-in-1 ड्रोन, ये भी मस्त तरीके से फ्लाई कर सकती है। चलो गाइस फटाफट से पहले करते हैं इन दोनों की अनबॉक्सिंग और कराते हैं इन तीनों के बीच में फाइट, देखते हैं तीनों में से आज कौन जीतता है। लेट्स स्टार्ट। ईपीपी मटेरियल का बना हुआ है, टॉप फ्लाइट है, न्यू डिजाइन है। ईपीपी मटेरियल का मतलब ये होता है कि अगर मान लो ये फाइटर जेट बहुत ऊपर से नीचे क्रैश भी हो जाता है तो ये बिल्कुल भी टूटेगा फूटेगा नहीं, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है। अगर आप इसको खरीदना चाहते हो तो इस वीडियो पर क्लिक करो, इधर व्यू प्रोडक्ट दिखाई देगा, उसके ऊपर जैसे ही जाओगे इसकी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने अमेजोन का बाय लिंक दे रखा है, वहां से जाकर आप चाहे तो ये फाइटर जेट को खरीद भी सकते हो। चलो गाइस फटाफट से यहां से मैं इसको अनबॉक्स कर लेता हूं। आज देखना गाइस इस फाइटर जेट को मैं कितनी ऊपर तक उड़ाने वाला हूं, आप खुद हैरान रह जाओगे। ये फाइटर जेट इतनी ऊपर तक फ्लाई कर सकता है। देखो गाइस मैंने इसको निकाल लिया है, बहुत ही हल्का फुल्का। यहां पे देखो मैं इसको पकड़ा हूं, देख रहे हो इसका डिजाइन तो भाई काफी ज्यादा गजब का इन लोगों ने बना रखा है। देखने में F-35 फाइटर जेट जैसा ही दिखता है। फिलहाल इसको रखते हैं यहां पर, दिखाता हूं मैं इसके अंदर और क्या क्या चीजें मिली है। ये है इसका रिमोट कंट्रोलर, 2.4 गीगाहर्ट्ज का रिमोट कंट्रोलर है। यहां पर दो जॉयस्टिक्स मिल जाते हैं अपने फाइटर जेट को कंट्रोल करने के लिए, और कुछ भी एक्स्ट्रा बटन है नहीं। यहाँ पर इसके कुछ अटैचमेंट्स है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके पीछे के व्हील्स अलग से लगाने पड़ते हैं। अच्छा, ये इसके एक्स्ट्रा प्रोपेलर्स दे रखे हैं। यहाँ पर है इसकी बैटरी बहुत ज्यादा छोटी है, इसको यहाँ पर अटैच कर देते हैं। अभी देखो गाइस हमारा जो जेट फाइटर है प्रॉपर तरीके से रेडी भी हो चुका है। इस तरफ एक प्रोपेलर मिल जाता है, इस तरफ एक प्रोपेलर मिल जाता है। देखने में प्रोपेलर्स बहुत ही छोटे हैं, पर आप देखना गाइस ये एरोप्लेन बहुत ज्यादा ऊपर तक फ्लाई कर सकता है। ये रहा हमारा एक और ड्रोन, ये मल्टी फ्लाई 3-in-1 ड्रोन है। इधर अटैचमेंट्स करके हम लोग इस तरह से देखो कन्वर्ट भी कर सकते हैं, एरोप्लेन की तरह भी फ्लाई करा सकते हैं। चलो फटाफट से इसको मैं अनबॉक्स करके दिखा देता हूं आपको मैं इसकी क्वालिटी वगैरह कैसी है। यहाँ पर है हमारा ड्रोन अटैच किया हुआ, इसको यहाँ से निकाल लेते हैं। इसको फ्लाई कराना भी बहुत ज्यादा इजी है। इस तरफ और इस तरफ दो प्रोपेलर्स मिलते हैं, नीचे की तरफ भी दो प्रोपेलर्स मिलते हैं, एक और प्रोपेलर मिलता है, पर ये प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता है। इन लोगों ने ऐसे ही स्टाइलिंग के लिए इसको दे रखा है। यहाँ से हम लोग इसको चार्ज कर सकते हैं, इसकी जो बैटरी है इनबिल्ट आ जाती है। ये रहा इसका रिमोट कंट्रोलर, इसके अंदर यहाँ पर दो बटन मिलते हैं, यहाँ पर दो जॉयस्टिक्स मिलते हैं, ऊपर की तरफ दो ट्रिगर्स भी मिल जाते हैं इसको कंट्रोल करने के लिए। पीछे की तरफ 3 AAA बैटरीज डालनी पड़ती है इसको ऑन करने के लिए। अभी ये रहे इसके अटैचमेंट, जैसे कि इसके अंदर एक राइडर मिल जाता है, और यहाँ पर एरोप्लेन बनाने के लिए कुछ अटैचमेंट्स है, जैसे कि देख सकते हो कुछ प्रोपेलर्स दे रखे हैं, और ये एरोप्लेन की टेल है। अभी देखो मैंने इसको बहुत आसानी से एक एरोप्लेन में भी कन्वर्ट कर दिया है। ये एक क्लासिक एरोप्लेन है, पीछे जस्ट टेल अटैच करना पड़ता है। दूसरी चीज मैं कन्वर्ट करने वाला हूँ, जैसे कि यहाँ पर हमारा राइडर है, इसको यहाँ पर लगाने के लिए अभी इसकी ये जो हैंडल है अपने राइडर के हाथ में मैं लगा दूंगा। अभी मैंने इसको एक होवर बोर्ड में भी कन्वर्ट कर रखा। ओह माय गॉड, क्या ही गजब का दिख रहा है यार हमारा एरोप्लेन। ये हमारा फ्लाइंग कार ड्रोन, आप चाहे तो इसको जमीन पे भी चला सकते हो एक आरसी कार की तरह, या फिर आसमान में भी फ्लाई करा सकते हो एक हेलीकॉप्टर की तरह। फटाफट से इसको मैंने यहां से निकाल लिया है। ये रहा हमारा ड्रोन, बहुत ही सिंपल सा दिखाई देता है। ऊपर की तरफ यहां पर चार प्रोपेलर्स मिल जाते हैं, नीचे की तरफ व्हील्स मिल जाते हैं, नीचे यहां पे इसका बैटरी कंपार्टमेंट, और यहां पर बहुत सारी एलईडी लाइट्स भी लगा रखी है ताकि हम इसको नाइट में भी बहुत इजी तरीके से फ्लाई करा सकते हैं। इसके अंदर एक और बॉक्स है, ये बॉक्स के अंदर भी बहुत सारी चीजें मिलती है, जैसे कि ये रहा इसका रिमोट कंट्रोलर। ये रिमोट कंट्रोलर बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल है, ये 2.4 गीगाहर्ट्ज का रिमोट है। पीछे की तरफ 5 AA बैटरीज डालनी पड़ती है रिमोट को ऑन करने के लिए। यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा अटैचमेंट्स भी मिल जाते हैं। ओके, तो माय डियर दोस्तों यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हो अपना जो फाइटर जेट है इन दोनों के मुकाबले में काफी ज्यादा बिग साइज का है। आज एकदम तगड़ा वाला मजा आने वाला है। चलो फटाफट से तीनों के बीच में कराते हैं फाइट, देखते हैं गाइस तीनों में से आज कौन जीता है। लेट्स गो एंड फाइट। सबसे पहले फाइटर जेट को फ्लाई करा के देखते हैं। इसको इस तरह से थ्रो करना पड़ता है, बहुत मस्त तरीके से कंट्रोल हो रहा है फाइटर जेट। देखो यार इस तरह से नोज डाइव भी लगा सकते हैं। अभी इसकी स्पीड मैं आपको बताता हूं, मेरे को तो लगता है गाइस इसकी टॉप स्पीड जो है 80 km/h से भी ज्यादा तक जा सकती है। अगर आप इसको सही से देखो ना गाइस, आपको ऐसे लगेगा कि यार ये एक रियल फाइटर जेट है। स्लो मोशन में एकदम गजब का दिखाई देता है यार, लग रहा है कि ये कोई रियल फाइटर जेट यहाँ पर फ्लाई कर रहा है। अभी टेस्ट करते हैं 3-in-1 होवरबोर्ड ड्रोन को, इसको डायरेक्ट मेरे हाथ से ही मैं टेक ऑफ कराने वाला हूं। देखो गाइस क्या ही जबरदस्त तरीके से टेक ऑफ कर चुका है, और इसकी स्टेबिलिटी देखो कमाल तरीके से ये फ्लाई कर सकता है। अगर आप इसकी आवाज नोटिस करो ना गाइस, आपको ऐसा लगेगा कि आपके आसपास में कोई मच्छर भिनभिनाने लगा है। मेरे को नहीं लगा था कि ये जो ड्रोन है आउटडोर में इतनी अच्छी तरीके से परफॉर्म करेगा, ये सिर्फ इंडोर में उड़ाने के लिए ही ड्रोन बनाया गया है। यहाँ पे इसको लैंड करा दिया है मैंने वापस से मेरे हाथ में।
अभी टेस्ट करते हैं फ्लाइंग का ड्रोन को। इसको भी मेरे हाथ से मैं टेक ऑफ करा चुका हूँ। इस ड्रोन को फ्लाई कराना आउटडोर में थोड़ा सा मुश्किल मेरे को लगता है, क्योंकि लेफ्ट जॉयस्टिक्स में प्रॉपर कंट्रोलिंग नहीं दे रखी है। ये बिल्कुल भी स्टेबल तरीके से नहीं फ्लाई करता है। जैसे कि आप देख सकते हो, थोड़ी सी भी हवा आने पर ये कुछ ज्यादा ही नीचे आ जाता है या फिर कुछ ज्यादा ही ऊपर चला जाता है। मेरे को कंट्रोलिंग फाइटर जेट और होवरबोर्ड ड्रोन की बहुत अच्छी लगी। अभी दोनों के बीच में रेस लगाने वाला हूँ, देखते हैं दोनों में से कौन है सबसे ज्यादा फास्ट। सबसे पहले मैं फ्लाइंग का ड्रोन को यहाँ पे टेक ऑफ करा देता हूँ ताकि ये एक पोजीशन में होवर कर सके। अभी यहाँ पर मैं टेक ऑफ कराने वाला हूँ फाइटर जेट को। ओ माय गॉड, फाइटर जेट को मैंने जैसे ही यहाँ पे थ्रो किया है, इसकी स्पीड देखो यार कितनी ज्यादा है। ये बहुत दूर तक जा चुका है। ओ माय गॉड, वो बिल्डिंगों के पास तक जा चुका है गाइस। अपना फ्लाइंग का ड्रोन देखो यार, यहीं पर ही फ्लाई कर रहा है, एक चक्कर लगाकर आ चुका है अपना फाइटर जेट। और यहाँ पर इसकी स्पीड देखो कितनी ज्यादा दे रखी है। क्लियरली इस रेस को जीत चुका है अपना फाइटर जेट। अभी जाकर यहाँ पर पहुंचा है अपना फ्लाइंग का ड्रोन। अभी फ्लाइंग का ड्रोन को मैं आपको नीचे भी चला के बता देता हूँ। ये नीचे भी बहुत मस्त तरीके से चलता है, जैसे कि एक आरसी कार चलती है। इसकी स्पीड नीचे चलते वक्त बहुत ज्यादा हो जाती है। यहाँ पे देखो टर्न भी मैं करा रहा हूँ बहुत मस्त तरीके से, ये टर्न भी ले लेता है। कंट्रोलिंग नीचे भी इसकी बहुत अच्छी दे रखी है। अभी फाइटर जेट को नीचे चला के बता देता हूँ। फाइटर जेट के अंदर एक दिक्कत है, ये लेफ्ट को या फिर राइट को नहीं जाता यार, ये सिर्फ स्ट्रेट फॉरवर्ड ही चलने लगता है, क्योंकि इसके जो नीचे के व्हील्स है बहुत ज्यादा छोटे दे रखे हैं। अभी रेस कराते हैं इन दोनों के बीच में, देखते हैं इन दोनों में से कौन है सबसे ज्यादा फास्ट। चलो अभी दोनों को यहाँ पे मैंने टेक ऑफ करा दिया है। फाइटर जेट काफी आगे की तरफ निकल चुका है। 3-in-1 ड्रोन ऊपर की तरफ जाए जा रहा है और इसको कंट्रोलिंग करने में मेरे को थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, क्योंकि ये इंडोर ड्रोन है गाइस। मैं इसको फिर भी आउटडोर में आपको फ्लाइंग करा के बता रहा हूँ। अपना फाइटर जेट काफी ज्यादा आगे निकल चुका है। ओ भाई, यहाँ पे थोड़ी सी हवा ज्यादा चलने लगी है, इस वजह से अपना 3-in-1 ड्रोन मेरे को लग रहा है कि नीचे की तरफ क्रैश करने वाला है। धड़ाम से ये क्रैश कर चुका है। मेरे को नहीं लगता गाइस अपना 3-in-1 ड्रोन यहाँ पर चला के लायक है। क्लियरली वापस से यहां पर अपना फाइटर जेट जीत चुका है। इस रेस को देखो गाइस, क्या फास्ट तरीके से फ्लाई कर रहा है। अभी कराते हैं इन दोनों के बीच में टग ऑफ वॉर, देखते हैं इन दोनों में से कौन है सबसे ज्यादा पावरफुल। दोनों को जैसे ही मैंने टेक ऑफ कराया है, फ्लाइंग कार ने फाइटर जेट को खींचने की कोशिश की थी और यहाँ पर धड़ाम से दोनों मिलकर नीचे की तरफ क्रैश हो चुका है। इसका मतलब यह है कि दोनों के अंदर सेम पावर है, दोनों के बीच में यहाँ पे टाई हो चुका है। अभी यहाँ पर तीनों का मैं वेट कैरी टेस्ट कराने वाला हूँ। सबसे पहले 3-in-1 ड्रोन को टेस्ट करते हैं। इसके नीचे एक ग्लास मैंने बांध दिया है, देखते हैं इतना वेट लेकर ये फ्लाई कर पाता है। यानी टेक ऑफ कराते बराबर ही ये थोड़ा सा डगमगाने लगा है। यहाँ पर थोड़ी सी हवा चल रही है और इसको कंट्रोल करना भी थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। ये पूरी कोशिश कर रहा है ऊपर की तरफ फ्लाई करने के लिए, पर ये मेरे को लग रहा है कि गाइस यहाँ पे क्रैश होने वाला है और ये धड़ाम से क्रैश हो चुका है। सेम टेस्ट करते हैं फ्लाइंग कार ड्रोन के साथ, देखते हैं गाइस ये वेट लेकर फ्लाई कर पाता है। यानी यहाँ पे मैंने इसको टेक ऑफ करा दिया है और ये अच्छे तरीके से यहाँ पर होवर कर रहा है, पर ऊपर की तरफ नहीं जा रहा है गाइस, ये तो नीचे की तरफ आकर क्रैश होने लगा है। ये भी यहाँ पर पूरी तरीके से फेल हो चुका है। अभी टेस्ट करते हैं फाइटर जेट को। इसके ऊपर मैंने ग्लास रख दिया है, देखते हैं गाइस ये ग्लास लेकर फ्लाई कर पाता है नहीं। ओ माय गॉड, ये ऊपर की तरफ जा रहा था पर देखो गाइस अचानक से ये नीचे आकर क्रैश हो चुका है। यहाँ पे तीनों के तीनों फेल हो चुके हैं। तो गाइस आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ, आपको ये कमाल की दिखने वाली फ्लाइंग कार पसंद आई जो कि चलते चलते फ्लाई कर लेती है, या फिर फाइटर जेट पसंद है, या फिर अपना 3-in-1 ड्रोन पसंद है। चलो दोस्तों अभी मैं दे देता हूँ शाउट आउट। पहला नाम आ जाता है आदित्य, राज, सिमिन शाह, भाविन, जतिन, नसीम, हमजा, योगेश, सिद्धार्थ, दीपक। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शॉर्ट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट, कमेंट करने के बाद आपका नाम भी जरूर से टाइप कर देना दोस्तों, ताकि मैं आपको ही शॉर्ट आउट दे सकूं। बाय दोस्तों।